दोस्तों, इंसानों ने इस धरती पर बहुत कुछ आश्चर्यजनक और खूबसूरत चीजें बनाई जिसे देखकर हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर प्रकृति द्वारा रची गई आश्चर्यजनक और खूबसूरत चीजों की बात की जाए तो ये इतनी खूबसूरत और विचित्र है जिसकी इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रकृति की ऐसी ही अद्भुत रचना में से एक है पक्षी। वैसे तो दुनिया भर में अनेकों खूबसूरत और विचित्र पक्षी है, लेकिन आज के इस एपिसोड में हमने कुछ चुनिंदा पक्षियों को आपके लिए सेलेक्ट किया है। ये पक्षी दुनिया के सबसे अद्भुत, विचित्र और खूबसूरत पक्षियों में से एक है जो आपको अपने जीवन में शायद ही कभी देखने को मिले। सुपर बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। अपनी उज्जवल सजावटी पंख और बेहतरीन डांस के लिए जाने जाने वाला सुपर बर्ड्स ऑफ पैराडाइज बेहद ही सुंदर और प्रसिद्ध है। न्यू जेनेवा के जंगलों में रहने वाले इन पक्षियों में मादा पक्षियों के मुकाबले नर पक्षियों की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, इसलिए नर पक्षी मादा पक्षियों को आकर्षित करने के लिए डांस करते हैं जो बेहद ही खूबसूरत है। सुपर बर्ड्स ऑफ पैराडाइज आकार में लगभग 26 सेंटीमीटर बड़े और 60 से 100 ग्राम तक वजनी होते हैं। मैग्निफिसेंट फ्रिगेट बर्ड। ये पक्षी अपने गले में बने लाल रंग के विचित्र थैली के लिए जाने जाते हैं जो कि सिर्फ नर पक्षियों में ब्रीडिंग सीजन के दौरान पाए जाते हैं। ये पक्षी इन थैलियों को गुब्बारे की तरह दिन भर फुलाते रहते हैं। फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में पाए जाने वाले ये पक्षी अपना ज्यादातर समय उड़ने में बिताते हैं। छोटी मछलियां, स्क्विड और जेलीफिश इनके मुख्य भोजन होते हैं। लॉन्ग वॉटर्ड अम्ब्रेला बर्ड। अपने सिर के ऊपर बने इस अजीबोगरीब छतरी नुमा आकृति और गले में लटकते हुए इस लंबे वॉटर्ड की वजह से इन पक्षियों को लॉन्ग वॉटर्ड अम्ब्रेला बर्ड के नाम से जाना जाता है। कोलंबिया के जंगलों में रहने वाले इन पक्षियों के कीड़े, छिपकली और बादाम मुख्य आहार है। रेबन टेल्ड अस्ट्रापिया। पापुआ न्यू जेनेवा के जंगलों में पाए जाने वाले ये पक्षी अपनी लंबी पूंछ से लोगों को अपनी तरफ देखने के लिए आकर्षित करते हैं। हालांकि ये पूंछ केवल नर पक्षियों में ही होते हैं और वास्तव में ये दुनिया में पक्षियों के किसी भी अन्य प्रजाति की तुलना में अपने शरीर के हिसाब से सबसे लंबे पूंछ इनके ही होते हैं। अन्ना हमिंग बर्ड। अन्ना हमिंग बर्ड में रंग बदलने की यूनिक एबिलिटी है जो इसे बाकी बर्ड से अलग बनाती है। जब भी अपना सर या बॉडी पार्ट्स हिलाती है उतने बार इनके पंख अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं। ये बर्ड्स इस रंग बदलने के अद्भुत कला के लिए काफी फेमस है। हमिंग बर्ड दुनिया की अकेली ऐसी बर्ड है जो आगे, पीछे, दाएं, बाएं किसी भी दिशा में स्थिर होते हुए उड़ सकते हैं। फूलों का रस पीते समय यह 20 से 70 बार अपने पंख फड़फड़ाती हुई हवा में एक ही जगह उड़ती रहती है। ये छोटी सी बर्ड दिन भर में हर 10 मिनट में खाना खाती है। ये अपने शरीर के वजन का 50% तक खाना खा लेती है। लेकिन ये खूबसूरत पक्षी 4 से 5 साल तक ही जिंदा रह पाती है क्योंकि अक्सर सांप, उल्लू या बड़ी पक्षियों का शिकार बन जाती है। केल बिल्ड टुकेन। इस रंग बिरंगे लंबी चोंच वाले पक्षी का नाम केल बिल्ड टुकेन है। ये साउथ अफ्रीका का पक्षी है जो साउथ मेक्सिको के नॉर्थ कोलंबिया में ज्यादातर पाया जाता है। इस पक्षी की लंबाई 20 सेंटीमीटर और वजन 4 किलोग्राम के आसपास होता है और इसके चोंच पर हरे, लाल और पीले रंग का मिश्रण होता है जो दिखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत लगता है। चोंच के मुकाबले इनका शरीर काफी छोटा होता है, यही कारण है कि इनकी बड़ी सी चोंच इनके शरीर से बिल्कुल अलग ही दिखाई देती है। हालांकि इसकी यही खासियत और खूबसूरती इसकी जान की दुश्मन बन गई। कई लोगों को इनकी ये चोंच इतनी ज्यादा पसंद आती है कि इसके लिए ये इनका शिकार भी करते हैं। अटलांटिक पफिन। ये बेहद क्यूट और लाजवाब पक्षी किसी खिलौने जैसा दिखता है। इस पक्षी की खूबसूरत चोंच और आंखें किसी का भी मन मोह सकती है। इसके हाव भाव और रहन सहन के तरीके के कारण इसे समुद्री तोता भी कहा जाता है। इनमें उड़ने के साथ साथ पानी में छलांग लगाने की क्षमता भी कमाल की होती है। ये पानी में 60 मीटर की गहराई तक पहुंच सकते हैं और अपने पंखों को एक घंटे में 400 बार फैलाकर 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। ये पक्षी अपने जिंदगी का ज्यादातर समय समुद्र में ही बिताते हैं। एक वैज्ञानिक परीक्षण के कारण अटलांटिक पफिन की आयु 20 वर्ष से भी अधिक बताई गई है। फ्लेमिंगो। इस खूबसूरत पक्षी की लंबाई कम से कम 4 से 6 फीट और वजन 400 किलोग्राम तक होता है। यह पक्षी दुनिया के कई देशों में पाया जाता है। नारंगी और सफेद रंग का यह पक्षी दिखने में बेहद आकर्षक और सुंदर होता है। जब ये अपने झुंड में एक साथ सर हिलाकर डांस करते हैं तो और भी खूबसूरत लगते हैं। शिकार करने के लिए अक्सर ये नदियां, समुद्र के किनारे अपने
झुंड के साथ एक पेड़ पर खड़े दिखाई देते हैं। और जब मछली इनके पैरों के इर्द गिर्द आती है तो ये झट से लपक कर उसे अपनी चोंच से पकड़ लेते हैं। जब फ्लेमिंगो अपने पंखों का फैलाव करता है तो उनकी चौड़ाई 1 से 3 मीटर तक हो सकती है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या सोचना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।